मेरा आज रात को ना मैं घर देर से आऊँगा, इसलिए मेरा खाने पर वेट मत करना। इससे पहले कि पूछो क्यों, पहले ही बता देता हूँ, मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद मैं डायरेक्टली क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। एंड आफ्टर द मैच ऑल द बॉयज आर गोइंग आउट फॉर डिनर एंड ड्रिंक्स। अच्छा मिस्टर चौहान, आजकल आप ये बॉयज नाइट कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे हैं? लगता है फ्रांस जाकर मुझे वो पॉइजन लाना ही पड़ेगा। अरे फ्रांस जाने की क्या जरूरत है, मॉल में मिलता है ना परफ्यूम पॉइजन। तुम ना हमेशा खर्चे की बात करती हो यार। वो पॉइजन नहीं, ये अलग पॉइजन है, ये सिर्फ फ्रांस में ही मिलता है। 18th सेंचुरी में फ्रांस की औरतें अपने पतियों को टाइम से घर बुलाने के लिए पॉइजन यूज किया करती थी। बहुत पुरानी ट्रिक है। मतलब पत्नियां पॉइजन ना दे दे इस डर के मारे पति जल्दी घर वापस आ जाते। नहीं नहीं, पत्नियां अपने पतियों को पॉइजन तो ब्रेकफास्ट में ही दे देती थी। What? हाँ, इन स्मॉल क्वांटिटीज, जिसका असर ना धीरे धीरे होता है। यार तुम स्मॉल तो ऐसे बोल रही हो जैसे पैक की बात कर रही हो, स्मॉल और बिग क्या होता है, पॉइजन है ना ये। औरतें थी कि नागिन। अरे आगे तो सुनो, अगर पति टाइम से घर नहीं आते तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, तो फट से घर चले जाते थे, और वहाँ उनकी पत्नियाँ उन्हें चुपके से एंटीडोट दे देती थी जिससे उनकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती थी, और उन्हें इस बात का एहसास दिलाती कि घर से दूर रहने की वजह से ही उनकी तबीयत खराब होती है, इसलिए उनकी भलाई इसी में है कि वो अपनी पत्नियों से और अपने घर से रात रात भर दूर ना रहे और टाइम से घर वापस आ जाए। आई लव दैट आइडिया। ये पत्नियाँ कितनी इनोवेटिव हुआ करती थी ना। इनोवेटिव? अरे यार गलती से अगर पॉइजन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो? हाँ तो मन भर जाता होगा तो दे देती होंगी, उसमें क्या बड़ी बात है। लगता है मुझे फ्रांस जाने का प्लान बनाना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं ना आज रात का क्रिकेट का प्लान कैंसिल कर देता हूँ। ओ क्या कर रही हो? और क्या? अच्छा सुनो, आज राहुल का फोन आया था, शादी के बाद से इज वेरी डिस्टर्ब। क्यों क्या हुआ, उसकी बीवी के साथ नहीं बनती? नहीं, भाभी और ननद की लड़ाइयों की वजह से उसकी जॉइंट फैमिली डिसजॉइंट होने की कगार पर है। भाभी और ननद? अरे पर वो दोनों तो कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड्स है ना, क्या नाम था उनका? पीहू और रश्मि। एग्जैक्टली, और रश्मि ने तो पीहू और राहुल को मिलवाया था। या आई नो, लेकिन अब मिलन की बेला खत्म और जलन का खेला शुरू। अकॉर्डिंग टू राहुल, दोस्त से भाभी और ननद के रिश्ते में आते ही दोनों एकदम बदल गई हैं यार। ही इज फेसिंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम यार। अरे यार पर हम ये ननद भाभी को क्या रिलेशनशिप एडवाइस देंगे, ये तो डेली सोप प्रॉब्लम है, इसको तो एकता भी सॉल्व नहीं कर पाती, इनफैक्ट वो घी डालकर इस इशू को बढ़ाती है। भाभी की कुंडली में ननद दोष। क्या क्या क्या? एनीवे, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या है। आई नो कि रिश्ता अलग है, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, बस रिश्ते के हिसाब से प्रॉब्लम की परिभाषा बदल जाती है। मतलब आजकल आप काउंसलिंग के साथ साथ रेंटिंग भी करने लगे? कमाल है, कमाल है, कमाल है, आई लाइक इट। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों की काउंसलिंग के बाद ना मैं एकता के पास एक नया कॉन्सेप्ट लेकर जाऊँ, क्योंकि ननद भी कभी दोस्त थी। Like it. है ना? Thank you. तुम चाय नहीं पी रहे हो तो कॉफी बना दूं? No, actually I've turned vegan, so no more dairy for me. अरे यार, डेरी के बिना कैसे रह लेते हो तुम लोग, मुझसे तो होता ही नहीं। It's simple, you just need to. Well, where there is a will, there is a way, Abhimanyu. और तुम्हें पता है रश्मि की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इसी से वो सीखा है, ये कॉलेज में भाला फेंकती थी। भाला? Yeah, I mean javelin. Oh. Yeah, अपनी पूरी ताकत को एक जगह चैनलाइज करके हमेशा जीतने के लिए तैयार है ना पीयू? आई होप यू गाइज नो कि हम दोनों रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं। एक्चुअली मुझे राहुल का कॉल आया था, वो चाहता है कि हम एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट ये जानने की कोशिश करें कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? सम फ्रिक्शन, कोई अनबन, मे बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू इक्वेशन ऑफ भाभी एंड ननद। तो तुम दोनों ना बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह हम दोनों के साथ शेयर कर सकती हो। कम ऑन मीरा, तुमसे पहले हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। ये ननद भाभी का रिश्ता क्या होता है, वी डोंट नो।
एग्जैक्टली और मुझे कुछ बोलना हो गया, कुछ भी शेयर करना होगा, मैं तो सीधा इसके मुंह पे बोल दूंगी। मुझे इसके लिए किसी काउंसलर या किसी रिलेशनशिप एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली और आप लोग खुद एज एक्सपर्ट्स देखकर बताइए, आपको लग रहा है कि हमारे बीच में कोई भी इशू है? फ्रेंकली स्पीकिंग, इस वक्त तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी ये स्माइल रियल है या फेक। हो सकता है कि तुम लोग हमारे सामने एक मुखौटा पहन कर आए जस्ट टू मिसलीड अस। जस्ट किडिंग। एनीवे जोक्स अपार्ट, राहुल को ऐसा लगता है कि तुम दोनों के बीच डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। अरे तो आप भैया की काउंसलिंग कीजिए, वो ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और स्पेशली पीहू के बारे में। पीहू ने क्या खाया, पीहू ने क्या पिया, आज पीहू का मूड क्यों ऑफ है, मतलब ही इज लिटरली ऑब्सेस्ड विद पीहू। बिल्कुल सही बोला तुमने, राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है इसलिए बहुत ज़्यादा केयर भी करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। और राहुल सिर्फ मुझसे ही नहीं, रश्मि से भी बहुत प्यार करता है। ऑफ कोर्स। और राहुल के लिए तो रश्मि आज भी वही स्कूल जाती हुई छोटी सी डेलिकेट सी बच्ची है जिसकी हर बात मानना राहुल के साथ साथ हमारी पूरी घर की जिम्मेदारी है, है ना रश्मि? ऑफ कोर्स। अच्छा तो तुम दोनों को ऐसा लगता है कि राहुल ओवरथिंक कर रहा है? Yeah, absolutely. Yeah, I also think so. तो तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे पूछ लीजिए। Absolutely none, Meera. And you know, I couldn't have got a better sister in law. Oh, I swear, मैं भी अभी यही कहने वाली थी। She is the best sister in law ever. So sweet. Great. तो तुम दोनों 5 मिनट बैठो, हम अभी आते हैं। Sure. Okay. Better. इन दोनों के बीच में तो कोई प्रॉब्लम लग ही नहीं रही है। प्रॉब्लम है मीरा, ये छिपा रही है, बहुत कुछ चल रहा है इन दोनों के अंदर, बस बोल नहीं रही है। यार तो अब जब गलती करने वाला गलती मानेगा ही नहीं तो हम सुधारेंगे कैसे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, जब तक ये दोनों प्रॉब्लम बताएंगी नहीं तो हम सोल्यूशन देंगे कैसे? मुझे तो लगता है हमें इन दोनों को वापस भेज देना चाहिए। अच्छा और जब राहुल तुमसे पूछेगा कि जानते हुए भी समझते हुए भी कि दोनों के बीच में क्लियरली प्रॉब्लम है तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया, तब क्या करोगे? तुम्हें कहा था ना दैट इट्स अ चैलेंज फॉर अस। पर मीरा इन दोनों को यहाँ पकड़ कर रखने का क्या फ़ायदा है, ये एक्सेप्ट तो करेंगी नहीं। करेंगी पर उससे पहले हमें ये फिगर आउट करना है कि एक्सेप्ट कर क्यों नहीं रही है। अरे वो तो सिंपल है यार, इन दोनों में से कोई भी राहुल के सामने बुरा नहीं बनना चाहता है। भाभी और ननद की लड़ाई में बेचारा राहुल पिस रहा है। यू नो व्हाट, पति पत्नी की नहीं, भाभी ननद और सास की कुंडली मिलानी चाहिए। बेचारा लड़का तो भगवान की मर्जी समझकर गुजारा कर ही लेता है। एक आइडिया है। सो वी हैड अ लॉन्ग इंटेंस डिस्कशन और इस सिचुएशन को भांपने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तुम दोनों के बीच अरे क्या तुम दोनों के बीच यार, और ये क्या रियलिटी शो जैसे सस्पेंस बना रही हो, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ग्रेट, तो ये बात आप प्लीज भैया को भी बता देना, हम लोग चलते हैं। रिलैक्स गाइस, बता देंगे लेकिन 2 दिन के बाद। सुनो राहुल क्या चाहता है? तुम दोनों हमेशा एक गर्ल्स ट्रिप पे जाना चाहती थी ना, तो देखो वीकेंड है, 2 दिन के लिए अभिमन्यु और मीरा के घर रुको, थिंक ऑफ इट एज अ स्टेकेशन। कपड़े में भिजवा देता हूँ, 2 दिन में अपने सारे गिले शिकवे दूर कर घर वापस आना। ओके, सी यू ऑन मंडे। देखो तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मान गए, लेकिन राहुल नहीं मान रहा है ना, तो उसे कन्विंस करने के लिए हमें ये छोटा सा एक्ट करना पड़ेगा। या थिंक ऑफ इट एज अ सिंपल चैलेंज, तुम दोनों 2 दिन के लिए हमारे साथ रुक जाओ एज आवर गेस्ट्स, एंड बाय द एंड ऑफ इट हम एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि तुम दोनों आज भी वही कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड्स हो, एंड राहुल इज द वन हु इज ओवर थिंकिंग एंड ओवर रिएक्टिंग एंड एवरीवन गोज बैक होम हैप्पी। और इन केस तुम दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के साथ एक कमरे में रहने में या फिर ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत है तो हमें बता दो, वी विल इन्फॉर्म राहुल अकॉर्डिंगली। नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रश्मि ऑफ कोर्स नॉट,
और ये कोई चैलेंज थोड़ी है, कॉलेज में तो हम लोग रूममेट्स थे, वी आर यूज्ड टू ईच अदर्स कंपनी, जस्ट लाइक आवर ओल्ड कॉलेज डेज। ग्रेट, तो चलो तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ, कम। ओके, ऑफ कोर्स। अच्छा है यार, अच्छी तो तेरी एक्टिंग भी बहुत है, क्या परफॉर्मेंस दी। अब जैसे तूने मुझसे बहुत कुछ सीखा है, वैसे मैंने भी तो तुझसे कुछ सीखा ही होगा। या राइट। वैसे तूने यहाँ रहने के लिए हाँ कैसे बोल दी? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बोलूं, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो तू ना बोल देती ना। यहाँ आने के बाद भी तेरे दिमाग में यही सब चल रहा है। अब जो तेरे दिमाग में चलेगा वही तो मेरे दिमाग में भी चलेगा ना, आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स।